ماري زندقي كما ستر ديكي صرف رازي. مايسيلي يا مسلمة، مايسيلي يا نمازي. ماري زندقي كما ستر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله باري اسلامي بهيوم أر مدني چینل کے ناظرین और आज हम इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक के अलिया की करामात सुनेंगे आखिर तक इस प्रोग्राम में शरीक रहिए आइए सबसे पहले दरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत मुफ्ती अमीन साहब रहमत फरमाते हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आफतें और बलाएं नहीं आती मोहम्मद अल्लाह पाक के औलिया के हाथों पर राहिबों का कबूल इस्लाम पहला वाकया हजरत सदना अबू बकर एक रतबा मक्का मुकरमा से मुल्क शाम जा रहे थे रास्ते में एक राहिब यानी ईसाइयों के आलिम से मुलाकात हुई जो एक गिरजा यानी इबादत खाने में था हजरत सईदना अबू बकर शिबली रहमत ने उससे पूछा तू तो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग इस गिरजा में क्यों कैद कर रखा है उस राहिब ने जवाब दिया मैं यहाँ अकेला इसलिए रहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं और दुनियावी मशागिल मेरी इबादत में रुकावट न बने हजरत सईदना अबू बकर शिबली अलैह ने पूछा तू तो किसकी इबादत करता है उसने जवाब दिया मैं हजरत सदना ईसा की इबादत करता हूँ और उन्हीं के लिए आमाल सलह करता हूँ हजरत सदुना अबू बकर शिबली रहमत ने कहा क्या वजह है कि तू मबूद अल्लाह पाक की इबादत छोड़कर उसके नबी सलाम की इबादत करता है हालाँकि इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह पाक ही की इजाद है मबूद बरहक तो सिर्फ अल्लाह पाक ही है फिर तू हजरत सदुना ईसा अला नबीना वाल की इबादत क्यों करता है मेरी ये बात सुनकर उस राहिब ने कहा हजरत सईदना ईसा अला नबीना सलात ने चालीस दिन और चालीस रातें बगैर खाए पिए गुजार दीं हजरत अबू बकर शिबली रहमत ने उससे पूछा ए राहिब, जो शख्स चालीस दिन और रातें बगैर खाए पिए भूखा प्यासा गुजार दे तो क्या वो महबूद बन जाता है राहिब ने कहा हाँ ऐसा शख्स वाकई इबादत के लायक है। हजरत हैजरत अबू बकर शिबली रहमत ने उससे कहा राहब मैं यहाँ तेरे साथ रहता हूँ तू शुमार करना कि मैं कितने दिन तक बगैर खाए पिए रह सकता हूँ चुनाचे आप अलैह उस राहब के साथ उसके गिरजा में रहने लगे आप रहमत दिन रात इबादत इलाही में मशगूल रहते ना कुछ खाते ना कुछ पीते इसी तरह जब चालीस दिन और चालीस रातें गुजर गईं तो आप रहमत ने उस राहिब से कहा अगर तू चाहे तो मैं मज़ीद कुछ दिन बगैर खाए पिए गुजार सकता हूँ राहिब ने जब उनकी ये हालत देखी तो पूछा तुम्हारा दीन कौन सा है आप अलैह ने फरमाया मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल् का उम्मती हूँ मैं उनका अदना सा गुलाम हूं। और हमारा दीन इस्लाम है वो राहिब आपके पास आया ईसाईत से तोबा की और क़लिमा पढ़कर दामने मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो गया फिर आप अलैह उसे अपने साथ दमिश्क ले आए और वहां के लोगों से कहा ए लोगों अपने इस नौ मुस्लिम भाई की खूब खैर ख्वाही करना और उसे किसी किस्म की परेशानी ना होने देना वो शख्स अब हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत में मशगोल रहता खूब मुजाहिदात करता यहाँ तक कि उसका शुमार में होने लगा दूसरा वाकया, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मरतबा मेरी एक राहिब से मुलाकात हुई मैंने उससे कहा तुझे उस ज़ की कसम जिसकी तू इबादत करता है अपने मबूद से सवाल कर कि वो हमें कोई अजीब और गरीब निशानी दिखाए मेरी ये बात सुनकर राहिब ने कहा तुम क्या निशानी देखना चाहते हो मैंने कहा तुम जिसकी इबादत करते हो उससे दुआ करो कि वो सामने खाली जमीन में ताज़ा खजूरों से लदा हुआ एक दरख्त उगा दे वो राहिब अपने गिरजा में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद बाहर आकर कहने लगा वो देखो तुम्हारे सामने क्या है जब मैंने सामने की तरफ देखा तो वहां एक खजूर का दरख्त नजर आया जिसमें ताजा खजूरें लगी हुई थीं। फिर उस राहिब ने मुझसे कहा ए दीन मुहम्मदी को मानने वाले अब तू अपने मबूज से दुआ कर कि वो हमारे लिए कोई अजीब और गरीब निशानी जाहिर कर दे मैंने कहा ऐ राहिब, तू बता किस तरह की निशानी देखना चाहता है उसने कहा तुम अपने मबूज से दुआ करो कि वो इस खजूर के गिर्द सब्जा उगा दे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली कर दे राहिब की ये बात सुनकर मैं एक तरफ गया और अपने माले के हकीकी की बारगाह में सरबा सुजूद होकर इस तरह दुआ की मेरे रहीम और करीम परवर तो खूब जानता है कि मैं तुझसे जो दुआ मांग रहा हूँ तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मांग रहा हूँ ए मेरे मौलाए करीम मेरी दुआ कबूल फरमा जब मैंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि वो जमीन जो अभी कुछ देर पहले वीरान थी और उस पर सब्जा नाम को न था अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो सर सब्जो शादाब हो चुकी थी हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और खजूर के चारों तरफ बेहतरीन किस्म के पौधे उगे हुए थे मैंने उस राहिब से पूछा अः राहिब, तुझे तेरे माबूद की कसम सच सच बता कि तूने किन अल्फाज के जरिए दुआ की और किससे दुआ की उस राहिब ने जवाब दिया तुम्हारे यहां आने से पहले ही इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई थी जब तुमने निशानी दिखाने के लिए कहा तो मैं गिरजा में गया और तुम्हारे किबला यानी खाना ए काबा की तरफ सजदा किया फिर इस तरह दुआ की ऐ मेरे पाक परवरदिगार जिस दीन मोहम्मदी की मोहब्बत तू ने मेरे दिल में डाली है अगर वो तेरे नजदीक हक को सच और मकबूल है तो मुझे ये निशानी दिखा दे कि ताज़ा फलों से लदा हुआ खजूर का दरख्त उगाए हजरत ने उस से कहा, हमें ये दोनों निशानियाँ एक ही जात ने दिखाई हैं जो वाकई मबूद है आप ल्हें ल्हें की ये बातें सुनकर उस राहिब ने कहा हजूर मैं नसरानियत से तोबा करता हूँ और सच्चे दिल से मुसलमान होता हूँ फिर उसने कलमाए शहादत पढ़ा अशहद फूलों पर हमें अमल की तोफी फरमाए आइंदा सिलसिले में इन शाह करीम किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए मदनी चैनल देखते रहिए सुन लू अल हबीब